एवरीबॉडी, दिस इज अजीत आनंद हियर फ्रॉम आनंद टीचिंग सेंटर। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 का स्टार्ट किए थे, ये मेरा वीडियो नंबर 9 है। आज हम लोग देखेंगे कलर कोड रीडिंग ऑफ रेसिस्टर्स। देखिए, पिछला बार हम लोग रेसिस्टेंस और रेसिस्टर्स के बारे में पढ़े थे, तो आपको ये फिगर हमने दिखाया था और ये हमारा रेसिस्टर्स है। तो रेसिस्टर्स में आप देख रहे होंगे डिफरेंट कलर का बैंड बना हुआ है, यह आप इसको कलर बैंड कहते हैं, और इसी से इसकी रीडिंग की जाती है और पता किया जाता है कि कितने ओम का ये रेसिस्टर है। तो सबसे पहले ये कलर के हिसाब से हम लोग यहाँ पे भर देते हैं कि आपके सामने यहाँ ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड और सिल्वर कलर हैं। तो इसका जो वैल्यू होता है, ये हमारा ब्लैक का 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायलेट का 7, ये 8, ये 9, और गोल्डन और सिल्वर के लिए टॉलरेंसी होती है। थोड़ा टॉलरेंसी समझा देते हैं। टॉलरेंस करने का मतलब होता है, अगर कहीं पर लिखा रहे कि ये हमारा, जैसे कि ब्राउन है, तो ये हमारा ±1% अगर लिख दें, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर एक रेसिस्टेंस का हम लोग वैल्यू निकालें तो प्रैक्टिकल में ±1% का आगे पीछे हो सकता है। रेड के लिए टॉलरेंसी ±2% होती है, ऑरेंज के लिए ±3% मान लिया जाता है, येलो के लिए ±4% देख लिया जाता है, और ये हमारा गोल्ड के लिए ±5% देख लेते हैं, और सिल्वर के लिए मेरा होता है ±10%। अगर कोई कलर नहीं है तो ±20%। हम लोग कलर कोडिंग और रीडिंग करके दिखाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसका वैल्यू और इसका मीनिंग कैसे होता है। तो कुछ रूल्स होते हैं, तो रूल्स में हमारे पास छोटा छोटा सा है, हम लोग ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। तो सबसे पहला ये है कि हमारा जो फर्स्ट कलर है, फर्स्ट कलर नेवर भी क्या नहीं हो सकता है, ब्लैक नहीं हो सकता है, गोल्डन नहीं हो सकता है, और सिल्वर नहीं हो सकता है। यानी कि अगर हम लोग रीडिंग करना शुरू करें तो थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे इसको देखिए, ये तो ये मेरा फर्स्ट कलर गोल्डन है। इसका मतलब है कि ये जो फिगर बना हुआ है ये सही फिगर नहीं है। अगर फिगर सही भी है तो हमारी काउंटिंग का ये पहला बैंड नहीं बोला जाएगा, ये हमारा लास्ट बैंड है। इस फिगर को देखें, लास्ट में मेरा गोल्डन है। ठीक से दिख रहा हो तो ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिएगा थोड़ा समझने का। ये लास्ट में गोल्डन है तो दैट मीन्स ये मेरा फर्स्ट कलर है। ये मेरा फर्स्ट कलर नहीं हो सकता, ये फोर्थ कलर है। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले अगर उल्टा है तो उसको हम लोग आगे पीछे करके पकड़ लेते हैं। फर्स्ट कलर कभी भी ब्लैक, गोल्डन या सिल्वर नहीं होता है। दूसरी बात याद रखना होता है, एक रेसिस्टर में कम से कम 3 कलर बैंड होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 6। तो हम लोग ये याद रखेंगे हमारे पास मिनिमम कितने कलर बैंड होते हैं, 3 कलर बैंड्स होते हैं, और मैक्सिमम ये हमारे पास 6 कलर्स के बैंड होते हैं। मोस्टली सबसे ज़्यादा 4 कलर बैंड्स का इस्तेमाल होता है। यानी कि अगर आपके पास ये एक रेसिस्टर है ऐसा, तो यहाँ पे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, 4 कलर के बैंड होते हैं। अब हम लोग आज देखेंगे कि 4 कलर रेसिस्टर की जो बैंडिंग होती है या फिर उसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इसको समझते हैं। ये मेरा पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है 4 कलर के लिए। तो पहला कलर जो होता है और दूसरा कलर जो होता है, ये इसका फेस वैल्यू होता है, फेस वैल्यू होता है। तीसरे कलर को हम लोग मल्टीप्लायर कहते हैं। आपके लिए समझने का सबसे आसान है, जो तीसरे कलर का जो बैंड होता है ये नंबर ऑफ जीरोज को शो करता है, और चौथा जो कलर होता है ये हमारा टॉलरेंसी को दिखाता है, टॉलरेंसी को शो करता है। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक रेसिस्टर है, ठीक है, और इस रेसिस्टर में मेरे पास 1, 2, 3, 4 कलर है। ये मेरा जो सबसे पहला कलर है वो मेरा है ब्राउन, दूसरा जो कलर है वो मेरा है रेड, और तीसरा जो कलर है वो मेरा है
ऑरेंज, और जो चौथा कलर है ये हमारा है गोल्डन। अब बताना है कि ये कितने ओम का रेसिस्टर्स है, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, जरा कोशिश करते हैं समझने का। 4 बैंड्स है और समझना है कि इसका वैल्यू कितना आएगा। तो सबसे पहला कलर ब्राउन है, ब्राउन का वैल्यू कितना होता है 1, यहाँ हम लोग लिखेंगे 1। रेड का वैल्यू है कितना 2, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2। ये मेरा फेस वैल्यू था, पहला और दूसरा फेस वैल्यू था। तीसरा जो कलर है ये बैंड कहता है ऑरेंज, तो ऑरेंज का जो वैल्यू है वो कितना है 3 है। ये 3 जो है ना नंबर ऑफ जीरोज है, दैट मीन्स 1, 2, 3 को जीरो भरेंगे। इसको हम लोग थोड़ी देर पहले बोले थे ये तीसरा कलर मल्टीप्लायर होता है, तो मल्टीप्लायर का मतलब 1 × 1000। 3 कलर है तो 1000, अगर मेरा येलो रहता तो यहाँ हो जाता 10,000। सिंपल सा लैंग्वेज में नंबर ऑफ जीरोज हम लोग भर दिए। ऑरेंज का कलर अगर ऑरेंज अगर है तीसरा कलर, तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो 3 जीरो भरेंगे। और हमारे पास आएगा प्लस माइनस, गोल्डन का वैल्यू कितना है 5%, तो प्लस हो गया 5%। मेरा टोटल जो वैल्यू आएगा वो आएगा 12,000 ओम और प्लस माइनस 5% की टॉलरेंसी। तो कलर कोड आपको समझ में आ गया है। चलिए हम लोग एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर समझते हैं और इसको देखते हैं। चलिए हम लोग कुछ और सवाल को देख लेते हैं, एग्जांपल से आपके सामने 4, और हम लोग इसका रीडिंग करते हैं। तो चलिए सबसे पहले वाले पर आते हैं, 1, 2, 3, 4 ब्लैक, ब्लू, रेड एंड सिल्वर। तो हमको बताना है इसके रीडिंग करनी है। तो हम लोग थोड़ी देर पहले एक रूल्स पढ़े थे, पहला कलर कभी भी ब्लैक नहीं हो सकता है, तो दैट मीन्स हो सकता है कि हमको उसको उलटने की नौबत आए। तो फिर जब उलट जाएंगे तो मेरा पहला कलर सिल्वर आएगा। फिर भी हम लोग पढ़े थे कि पहला कलर, फर्स्ट कलर ब्लैक, सिल्वर और गोल्डन नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि यह जो मेरा जो एग्जाम्पल यह था रेसिस्टर, ऐसा रेसिस्टर नहीं होता है। इसको अब आगे हटाएं, दो नंबर पे आते हैं। तो इसकी रीडिंग करते हैं, फर्स्ट रेड है ब्लैक है गोल्ड है, तो रेड का वैल्यू आपको पता होगा 2, 2। फिर रेड का है 2, ये दोनों का तो फेस वैल्यू रख देते हैं। तीसरा कलर कहता है नंबर ऑफ जीरो होते हैं, एक कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि ब्लैक का जो वैल्यू होता है वो 0 है, और क्या करते हैं ना कि जल्दी जल्दी में ब्लैक के बदले में यहाँ 0 भर देते हैं, मेरा गलती हो जाएगा। क्यों गलती हो जाएगा? ये कहता है तीसरा जो नंबर है वो कहता है कि नंबर ऑफ जीरोज, यहाँ ब्लैक का वैल्यू 0 है, यानी कि कितना जीरो डालना है 1 भी नहीं, यानी कि 0 डालना है, तो यहाँ ब्लैक के जगह पे 0 नहीं होगा, ये खाली है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ ब्लैक है, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज कितना चाहिए 0 टाइम्स नहीं चाहिए। और ये हो गया प्लस माइनस गोल्ड का कितना 5%। तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 22 ओम, यहाँ पे हो गया 22 ओम, और प्लस माइनस 5% आगे पीछे कर सकता है। तीसरा केस देखते हैं, रेड के लिए मेरा वैल्यू कितना है 2, ब्लैक का वैल्यू कितना होता है 0, ग्रे के लिए हम लोग कितना भरेंगे 8, यानी कि 8 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 3 और 2, 8। सिल्वर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 10%। अगर इसका वैल्यू बोलें तो मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट मीन्स 2 × 10^2 कितना 8 0 यहाँ का, 8 0 यहाँ का, 2 × 10^9 ओम और प्लस माइनस 10%। ये आपको समझ में आ गया होगा। चौथा का एग्जांपल देखते हैं, वॉयलेट के लिए, वॉयलेट मेरे पास 7 है, तो वॉयलेट के लिए मेरे पास हो गया 7, ग्रीन के लिए आ गया 5, येलो के लिए हो गया 4, 4 × 0, 1, 2, 3, 4 × 0, और फिर से येलो है, तो येलो के लिए मेरा चौथा जो कलर था, आपको याद होगा कि पहला दोनों फेस वैल्यू, तीसरा नंबर ऑफ जीरो, चौथा टॉलरेंसी को शो करता है। येलो का टॉलरेंसी कितना है, प्लस माइनस 4%। तो मेरा जो जवाब आया वो आया 75 × 10^4 प्लस माइनस 4%। आप इसको लिख सकते हैं 7.5 × 10^5 ओम प्लस माइनस 4%। तो अगर किसी रेसिस्टर पर 4 कलर बैंड हो तो आप उसकी रीडिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।